अच्छा क्या टैलेंट है? आ गया आपसे पूछा गया पाकिस्तान में क्लब्स होने चाहिए, तो आपने लिखा है होनी चाहिए, डांस क्लब्स होने चाहिए। हाँ क्यों नहीं, हमारा अपना मुल्क क्या अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। ये तो पीछे हो आप, आपसे बात की है, बड़े बच्चे यहाँ आपने लिखा है कि आप पे लाइन मारी है जी, किसने लाइन मारी है आप पे? देखिए अगर मैंने ये बता दिया कि लाइन किसने मारी है फिर आपका शो बंद हो सकता है जी। प्लीज बताइए, मैं बहुत थक गया हूँ 10 साल से शोबिज में काम करके, अब मैं चाहता हूँ बंद करूँ मैं काम जी, बंद करवाइए शो। कौन है साथ ये? आपको नहीं लगता अगर आप ये बात बताएंगी प्रॉब्लम होगी आपको बाद में? जितनी दुनिया है ना, मेरे बाप करके कुछ नहीं बोल सकती। क्या करते हैं आपके फादर, क्या नाम है? मैं बता तो नहीं सकती, मगर ये कि अगर वो चाहे तो ये शो भी बंद करवा सकते हैं। अभी एक चीज करनी है। क्या? Can I come? वो यहाँ लेटे हुए जमीन में पड़े हुए, उनको कोई बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला होगा जी, बोले। इंटरेस्टिंग तो कुछ भी नहीं है, बस मैं ये क्या हुआ है समझ तो गए होगे आप। क्या आपको पता होगा कि मेरी उंगली कहाँ गई? इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, वकार का जादू पूरे पाकिस्तान से नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर से लोगों को यहां ले आया है टू ऑडिशन एंड शो देयर हिम्मत। सो आर यू रेडी? जोश और बलवा बहुत ज्यादा है, इलाकों से लोग आए हुए हैं। मेरा नाम नजमुल इस्लाम है और मैं सवाल से आया हूँ। मेरा नाम साद सलमान है, मैं रावलपिंडी से आया हूँ, 30 घंटे ट्रेन में सफर करके आया हूँ। मैं आया हूँ जेलम से कराची। मैं हैदराबाद से आया हूँ सुबह 6 बजे से। आजाद कश्मीर से मेरा ताल्लुक है और मैं अभी दुबई से आया हूँ। ये क्या हिम्मत होती है, क्या जज्बा होता है जिसकी वजह से आप चित्राल से उठ के यहाँ तक आ गए हो? इस कंपटीशन में मैंने इसलिए हिस्सा ली कि मैं अपनी चित्राल को रिप्रेजेंट कर सकूँ। फुल तैयारी में लोहर से आया हूँ, यानी कि पूरा लोरी बजाऊंगा इंशाल्लाह। वकार को इम्प्रेस करने का एक सॉलिड चीज है मेरे पास, वो मैं उसे बताऊं। कि बताने आई हूँ कराची वालों में कितना दम है। यहाँ पर OTE का ऑडिशंस जो भी हो रहे हैं उसमें मैं सॉरी ये लेकर जाऊंगी। क्या करने वाली है आज? जो कहेंगे वही करेंगे। नहीं वो तो कुछ नहीं कहेंगे, आज तो करना वही जो आप कुछ करती आई है अब तक। पकाते आए हैं, पकाते आए हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद सबसे पहले कंटेस्टेंट्स ने अनुषे को इम्प्रेस करना था। तो जो जो यहाँ पे आना चाहे बिल्कुल एक दफा हाथ उठा के, बिकॉज बहुत सारे लोग कैमरे के पीछे बोर होते हैं, हाँ मैं कर सकता हूँ मैं कर सकती हूँ, फिर जब स्टेज पर आते हैं तो फिर अच्छे अच्छे जो है वो थोड़े से ढीले हो जाते हैं। कुछ भी कहना चाहे, कुछ भी बोलना चाहे, कुछ डायलॉग एनीथिंग। लेडीज फर्स्ट एज ऑलवेज, बहुत ताली आनी चाहिए। What kind of a talent are you going to bring forward? मैं कोई talent नहीं दिखा रही, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मुझे वकार बहुत अच्छा लगता है and I love you. पागल की दुआएं ले दीजा जब तुझको पति स्टार मिले हो, घर में सब नौकर चाकर पैसा बंगला और कार मिले। She's so part of me from the roll call. Damn, who would have thought the fan base was this immense? On the front for my dogs holding down the kennel. My ex hit me talking about she wanna make up. But on the real, I got no time for cover girls. Music is my main bitch, no time for other girls. I'm finna blow like Hiroshima, my demeanor. Get meaner, watch me elevate to arenas. Me without the mic, that's like Martin without the Gina. Venus without Serena, now these thirsty bitches on the dick. We call that Aquafina. अब अगला जो मरहला आ गया वो ये है कि यहाँ से दो ग्रुप्स निकल के जो है हमारे साइकाइट्रिस्ट से अब मिलने जा रहे हैं, और हमारे साइकाइट्रिस्ट जाहिर सी बात है उनको गेज करेंगे उनकी मेंटल स्ट्रेंथ पे। क्या कंदील बलोच में कोई टैलेंट है या वो सिर्फ फहाशी है? अगर वो आपको नहीं पसंद आप ना देखो आप देखो ना। अपने आप को कभी नहीं बोलेंगे कि हम खराब हैं, लड़की को बोलेंगे ये खराब है, इसके सारे काम।
एक मिनट। पर्सनालिटी टेस्ट के बाद अब बारी थी इस जुनून की शुरुआत करने वाले वकार जका को फेस करने की। या जितने लोग भी बैठे हैं, ऑडिशन सबका होगा, लेकिन ये बात याद रखें, आप लोगों के पास ये आखिरी मौका है अपनी अपनी इज्जत बचाना। तो अगर समझते हो कि हिम्मत है मुझे फेस करने की, तो आना। ये जो बोल रहे हैं उठा लो इसको। कौन है बाजी? यहाँ आपने लिखा है कि आप पे लाइन मारी है जी, किसने लाइन मारी है आप पे? देखिए, अगर मैंने ये बता दिया कि लाइन किसने मारी है तो फिर आपका शो बंद हो सकता है। जी प्लीज बताइए। मैं बहुत थक गया हूँ 10 साल से शोबिज में काम करके, अब मैं चाहता हूँ बंद करूँ मैं काम। जी बंद करवाइए शो। कौन है साहब ये? आपको नहीं लगता अगर आप ये बात बताएंगी प्रॉब्लम होगी आपको बाद में? जितनी दुनिया है ना, मेरे बाप के कुछ नहीं बोल सकती। क्या करते हैं आपके फादर, क्या नाम है? मैं बता तो नहीं सकती, मगर ये कि अगर वो चाहे तो ये शो भी बंद करवा सकते हैं। अभी एक चीज करनी है। क्या? Can I come? आ जा। He was so drunk, वो यहाँ लेटे हुए जमीन में पड़े हुए, उनको कोई बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला होगा। जी बोले। इंटरेस्टिंग तो कुछ भी नहीं है, बस मैं ये क्या हुआ है? समझ तो गए होगे आप। क्या? आपको पता होगा कि मेरी उंगली कहाँ गई। तो अगर समझते हो कि हिम्मत है मुझे फेस करने की, तो आना। ये जो बोल रहे हैं उठा लो इसको। कौन है बाजी का? याद रहे रखो कि डिग्रेड करने में और औकात याद दिलाने में बहुत फर्क है। डिग्रेड करने से मोटिवेशन गिरती है, औकात याद दिलाने से ये याद आता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो मुझे मजबूर मत करना कि मैं आपको आपकी औकात याद दिलाऊंगा और मैं आपके पीछे बैठ गए। जिसने जाना है अभी घर जाना है। ये 1 करोड़ जीतना इतना आसान नहीं बना होता। जी, और इस वक्त हमारी पहली पार्टिसिपेंट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, नाजिया। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। अंदर जाने के लिए? बिल्कुल। मुझे बताओ कि कुछ नर्वसनेस हो रही है या क्या सोच रही हो इस वक्त? अब क्योंकि वो टाइम आ गया है कि तुम वकार से मिलने वाली हो। इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, क्योंकि जब वो ऑडिटोरियम में आए थे तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, तो इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं अंदर जाके कुछ बोल पाऊँगी या नहीं। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? ठीक है? हाय, बैठे। जब आ रही थी इनको साथ कोई सहारा दे के ले आते। कंफर्टेबल है? जी। दिखा दो। ठीक है आप? बिल्कुल जी। दिल है? जी। नाजिया कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। ये बताना चाहेंगी कैसे हुआ है? हाँ, ये हुआ था कि बुखार नहीं उतर रहा था मेरा, और उन्होंने काफी टाइम से मम्मा ट्राई कर रही थी डॉक्टर्स, डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाकर, तो फिर एक डॉक्टर ने दवाई दी तो उन्होंने कहा कि ये खाते ही इनका बुखार फौरन उतर जाएगा। तो उसके जैसे ही वो मेडिसिन यूज किया, उसके बाद मैं सो गई, और जब मैं उठी तो फिर मैं कभी खड़ी नहीं हो पाई। कुछ करती हैं आप? कोई सिंगिंग का शौक है मुझे स्कूल लाइफ से। जो गाने आपको आते हैं? मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। अरे कंफ्यूजन की बात नहीं है, बताएं क्या कंफ्यूजन हो रही है मुझे बताएं।
अरे आप यहाँ, अरे बताए बताए, चल टेंशन नहीं लेनी, देखो चांस एक दफा मिलता है। जब मुझ जैसे लोग आ सकते हैं टीवी पे तो तुम तो फिर टैलेंटेड लग रही हो, टेंशन तो नहीं है ना, रिलैक्स हो जाओ, बस समझो अपने भाई के सामने बैठी हो घर में। लगे जागले हसीरा शायद फिर इस जन्म में मुलाकात। अच्छा एक काम करते हैं, आपकी एक म्यूजिक वीडियो हम बनाएंगे, वो हम सोशल मीडिया पे रिलीज करेंगे, सारे जो भी इसका अखराजात होंगे मैं उठाऊंगा, ठीक है, ये मेरी तरफ से गिफ्ट होगा। मुझे आपके साथ एक पिक लेनी है। हाँ पिक्चर लो यार, 10 पिक्चर लो, दिखाओ भाई कैमरा किधर है भाई, लाओ दिखाओ। लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा नहीं, मेरे कैमरे से लो यार, मैं तुम्हें भेज दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा, इसमें कौन सा। बताइए अपने बारे में कुछ, क्या करते हैं आप, कौन है? मेरा नाम वकास सिद्दीकी है, मेरा अपना काम है, मैं मलेशिया में पढ़ता था एक साल पहले, अभी यहाँ पर रिसेंटली काम शुरू किया है। गर्लफ्रेंड है आपकी? हाँ है। क्या नाम है? ईशा नूर। कौन ईशा, ड्रामा में आती है? जी। तो कब शादी हो रही है आपकी? इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर। कुछ चैलेंज खुद सोच के आए या मैं? आप दे दे। क्या चीज है ये? वाटरमेलन। तरबूज, इसको सर पे मारना है और तोड़ना है, आराम से कर लेंगे ना। तीन और लाओ भाई। बहुत जबरदस्त तरीके से आपने वकास परफॉर्म किया है, जल्दी से सब उठाएं, 2 मिनट है आपके पास। ये रिस्क नीचे गिरा है, इसे उठाना भी होगा। बस ठीक है, मुझे देखना था, आप मना तो नहीं करेंगे, अगर अभी आप मना करते तो आपकी रिजेक्शन हो जाती, सिलेक्शन हो गया। जी मजीदा बीबी जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। कैसे आना हुआ? बस आपको देखने और आपको मिलने। क्या करती है जिंदगी में आप? जिंदगी में घर के काम और सिलाई कढ़ाई। आप फुल मस्ती वाली हैं या फिर डरी डरी रहती हैं? डरा देती हूँ, डरती नहीं हूँ जी। चले मुझे भी डराना है। आपको तो मेरी हिम्मत नहीं होगी। क्यों? नहीं मैं जाहिर, आप इतने माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान का टैलेंट हो। चले दिखाएं क्या चीज लाई है आप। ये मेरी शर्ट है, तो हम तो खाना भी पका के लेकर आए थे। क्या चीज है? कीमा और मटर। कीमा मार ले जाओ भाई, कीमा आया है, रात को खाएंगे। कहाँ रहती हैं आप कराची में? बर्ज रोड पे। बहुत सारे लोग हैं जो मुल्क से बाहर रहते हैं जी, वो आपसे ये बनवाना चाहे तो किस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं? नंबर मुझे नहीं याद रहता। कहाँ है आपकी बेटी? बेटी हो। आ जाए, आ जाए बेटा। तो आप में से कोई एक सिलेक्ट हो सकता है। आपसे पूछा गया पाकिस्तान में क्लब्स होने चाहिए, तो आपने लिखा है होनी चाहिए। डांस क्लब्स होने चाहिए? हाँ क्यों नहीं, हमारा अपना मुल्क अच्छी बहुत अच्छी बात है, ये तो कोई गलत नहीं, एक डिफरेंट चीज होनी चाहिए। तो आप अपनी अम्मी को डांस करके दिखाएं जरा यहाँ पर, की मर्जी आप अपनी अम्मी के सामने करना चाहती हैं या नहीं? हाँ नहीं, कोई मना नहीं बेटा। तुले आदे मैनु गोल्डन चुमके, मैं कना विच पाव चुम चुमके, बस इतना ठीक है। और देखें आपने अपनी मर्जी से किया ना, ये नहीं बोलिएगा कि माँ के सामने बेटी नचवा दी। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात थोड़ी है। आपके हस्बैंड से कितनी बनती है आपकी? माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं मेरे हस्बैंड। तो याद है जब पहली बार घूंघट उठाया था तो क्या बोला था? मैंने घूंघट निकाला ही नहीं, तो उठाएंगे क्या? घूंघट ही नहीं निकाला डायरेक्ट? आओ भाई कौन है? हाँ तो जाहिर है मेरा कजन था, कम पहले नहीं मिलते थे, कभी ना कभी तो मिलते थे ना। तो क्या हुआ था, मतलब घूंघट था ही नहीं? नहीं करा ही नहीं, मुझे घूंघट निकालना ही नहीं आया आज तक। फिर क्या बोला उन्होंने? बस कुछ नहीं बोला था, बस खाली लड्डू मुंह में डाल दिया। तो लड्डू? हाँ उस वक्त लड्डू चलते थे 31 साल पहले। रोमांटिक है? हाँ बहुत। इस उम्र में कहते हैं रोमांस खत्म हो जाता है। नहीं कोई नहीं होता भाई है? आपको मैं कैसे समझाऊं, आप मैरिड नहीं है ना? हाँ नहीं। हाँ तो फिर आपको नहीं पता फिर अभी? नहीं तो क्या, इस उम्र में कैसे फुल? क्यों नहीं भाई, बातों में हर चीज में जैसे कोई डिमांड करोगे तो फौरन हाजिर। बहुत शुक्रिया आने का। हाँ आपको लाइफ देखकर सबसे ज्यादा खुशी है, आप यकीन मानो मेरे दिल, मुझे किसी इस चीज से नहीं है मुझे। अच्छा एडिशन हो जाते, जाते जल्दी से मिलते हाँ। भी जाए मुझे सही करा। हाँ इंशाल्लाह प्यार रखूं सर पे। जी 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 बात बकार भाई, मुझे सर भी प्यार दे। चलिए ये ट्रांसफर हो रहा है, प्यार करें मुझे, मुझे करें। हाँ, ये ट्रांसफर इतनी मैं
दुनिया में काबिलियत देखने वाले देखते रहे। अल्लाह हाफिज। मैंने इतनी खुल के बात किसी से नहीं करी। ताली मारे। ब्रेडफोर्ड से आए आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। पूरा नाम क्या आपका? सजाद अली। ब्रेडफोर्ड में क्या करते हैं आप? मैं कैशियर की जॉब करता हूँ फ्यूल कंपनी में। कहाँ ब्रेडफोर्ड में कहाँ रहते हैं आप? ब्रेडफोर्ड में बीडी 18 शिफली एरिया में। कब आए आप? 18 से मैनचेस्टर से फ्लाइट ली, 19 को इधर आए। तो आपने घर वालों से परमिशन ली आने की? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों आना चाहते हो भाई इस शो में? बस पैशन है, जुनून है इस शो में आने का। क्या है आपके अंदर ऐसा इंटरेस्टिंग कि ओवर द एज में आपको लिया जाए? मैं खुद देखें यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मुल्क से बाहर से आए हैं। सही बात। उसका मतलब सिर्फ ये है कि हम आपको ये एडवांटेज देंगे कि आपका जो चांस है वो पहले हो जाए। सही। पहले चांस मिल रहा है? कोई कराची वाला तो पहले नहीं आया? नहीं, है ना, पाकिस्तान वाला नहीं, पहले आपको चांस दे रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे सही तो आपको ले लिया जाए। एक बात बोलना है, मैं आया था तब ठीक था, जब आया इधर जैसे गेट के अंदर इंटरव्यू में बहुत ज्यादा नर्वस हो गया, बहुत ज्यादा, हद से भी ज्यादा नर्वस हो गया, अभी भी हूँ। आप अगर खुद कोई चीज सोच के आए हुए तो फिर बहुत अच्छा होगा। जो मैं दूंगा फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपने ये क्यों दे दिया। नहीं आप दे देना, नहीं कर सके तो ठीक है आप कर दिए। क्या करना होगा इसके साथ? मुंह में रखना होगा। ये तो बच्चों वाली चीज हुई, ये ओवर दिया जाए। नाक में डालना है, मुंह से निकालना है। ट्राई करना चाहते हैं या नहीं? इसमें जहर है। अरे भाई इसकी स्पेसिफिकेशन ला के दूं, गाड़ी खरीदने आया। इंशाल्लाह मैं ट्राई करता हूँ। ये सोच के बताएं ये पॉसिबल है या नहीं? पॉसिबल नहीं हो सकता। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। पूरा नाम बताएं। अस्मा राजपूत। जी अस्मा। जी वकार। वजह शोहरत? वजह शोहरत, पहले तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगी। पहले जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताएं, आपकी वजह शोहरत क्या है? मेरी वजह शोहरत क्या है? एक्चुअली मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ। आगे बढ़े। जी पूछिए। यहाँ पर आपने क्या लिखा हुआ है ये लाइन मारने वाली बात? हाँ सही लिखा हुआ है। हाँ यार आप एक्टिंग करती हैं, आप बोलती ऐसे ही हैं। मैं बोलती ऐसे हूँ। अच्छा क्या है लाइन, क्या मतलब है इसका? मतलब क्या, सिंपल सा मतलब है, लाइन मारी थी। आपको नहीं पता लाइन कैसे मारते हैं? हाँ जी कैसे लाइन मारते हैं? लाइन मारना क्या होता जी बताइए? आपने कभी किसी पे लाइन नहीं मारी क्या? अरे भाई आगे बढ़े, मैं इंटरव्यू आपका ले रहा हूँ, आप मेरा इंटरव्यू लेने नहीं आई। जी कैसे लाइन मारते हैं? देखना, मुस्कुराना। किस पे लाइन मारी है भाई आपने या आपने मारी है, क्या मुझे समझ नहीं आई है? नहीं मैंने किसी पे लाइन नहीं मारी, सिंपल। हाँ जिसने मुझ पे मारी है लाइन वो। आप क्या सास बहू के ड्रामों का ऑडिशन देने आई हैं जो इतना सस्पेंस डालकर इतनी लंबी बात करके? आप वाकई ऐसे ही बोलती हैं जैसे नॉर्मल बात कर रही हैं। हाँ जैसे करो ये तो मैं ऐसे ही बात। लहराने का क्या मतलब है? नहीं लहराने का मतलब नहीं। अच्छा क्या, किसने लाइन मारी है आगे बताएं आप। नहीं अब मैं ये बात बताऊंगी तो आपको पता नहीं क्या लगेगा कि पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, पता नहीं मैं क्या अपने उसके लिए फेम के लिए कुछ करना चाह रही हूँ। आप तो मेरी बात को गलत ले जाएंगे ना। आपको पहले लग रहा है कि मैं बहू ड्रामे और ये वो, एक्चुअली मुझे कोई ड्रामे ड्रामे पसंद नहीं। अच्छा सुने सुने सुने, आपने जो यहाँ लिखा है उसका कोई प्रूफ भी होगा आपके पास? ऑफ कोर्स प्रूफ है। प्रूफ है? प्रूफ के बगैर मैं बात नहीं करती। अगर सबूत नहीं निकला तो? ऐसा ऐसी बातें मैं करती नहीं क्योंकि मैं जानती हूँ आपका शो बहुत फिल्मी नहीं है। आप, आपको लग रहा है ये स्टे देना इतना लंबा ही बात खींच, आप वाकई ऐसे बोलती हैं? नहीं मैं ऐसे ही बोलती हूँ। ये जो आपने लिखा हुआ है इसका सबूत है आपके पास? ऑफ कोर्स है। जी बताएं किसने लाइन मारी है आपने? देखिए अगर मैंने ये बता दिया कि लाइन किसने मारी है तो फिर आपका शो बंद हो सकता है। जी बंद करवाइए शो। कौन है साहब ये? अच्छा क्या टैलेंट है? आ गया
तो वहाँ भी ऐसा ही होगा। जिंदा है? वो पहले ही यूं कर रहा है। आपको नहीं लगता अगर आप ये बात बताएंगी प्रॉब्लम होगी आपको बाद में? जितनी दुनिया है ना, मेरे बाप के लिए कुछ नहीं बोल सकती। क्या करते हैं आपके फादर, क्या नाम है? मैं बता तो नहीं सकती, मगर ये कि अगर वो चाहे तो ये शो भी बंद करवा सकते हैं। अभी एक चीज करनी है। क्या? Can I come? आ जाओ। वो यहाँ लेटे हुए जमीन में पड़े हुए, उनको कोई बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला होगा। जी बोले। इंटरेस्टिंग तो कुछ भी नहीं है, बस मैं ये क्या हुआ है? समझ तो गए होगे आप। क्या? आपको पता होगा कि मेरी उंगली भी कहाँ गई। ये जो आपने लिखा हुआ है, इसका सबूत है आपके पास? ऑफ कोर्स है। जी बताएं, किसने लाइन मारी आप पे? देखिए, अगर मैंने ये बता दिया कि लाइन किसने मारी है, तो आपका शो बंद हो सकता है। जी बंद करवाइए शो। कौन है साहब ये? हमारे मियां जी नवाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर जो है। जी जी, मुझे बताइएगा कब, कहां, कैसे ये हुआ? ट्रेन में हुआ था। आराम आराम से बताएं, कहाँ जा रही थी? ट्रेन में हुआ था, बिजनेस क्लास में हुआ था, और हम लोग जा रहे थे, मतलब मैं जा रही थी, इस्लामाबाद जा रही थी। अच्छा, बिजनेस क्लास में आपको मिले नवाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर है। फिर क्या हुआ? फिर वो काफी देख के मुस्कुरा रहे थे, और जैसे कि नंबर देना लेना कुछ इस तरह से। नवाज शरीफ साहब ने आपको नंबर दिया? उनके साथ बैठी थी, उन्होंने बड़ा मेरे तरफ देखा, मुस्कुराया, और बहुत उन्होंने मतलब लाइक मुझे देख कर, और वो जैसे कि होता है स्टाइल। जब ये अभी की बात है या जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तब की बात है, या बचपन की बात कर रही हैं उनके? मैं बचपन की बात क्या मतलब आपका? अभी की बात कर रही हो, जब ये प्राइम मिनिस्टर थे या उससे पहले की बात कर रही हो? जब ये इससे पहले थे। कब? कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात हो रही है? हाँ। उनके कॉलेज यूनिवर्सिटी की? नहीं नहीं, उनके कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात नहीं हो रही है। अभी दोबारा आए हैं ना ये? कौन से ईयर में? ये जब पहले थे, कौन से ईयर? प्राइम मिनिस्टर थे जब ये हुआ है? हाँ, या उससे पहले जब ये थे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आपको अपना नंबर दे रहा था? क्यों? झूठ बोले कौवा काटे। क्या वो आदमी? पांच साल पुरानी बात है, दस साल पुरानी? आई थिंक पांच छह सात साल, इसी तरह की होगी बात। अच्छा, एक चीज क्लियर कर लेते, पांच साल पुरानी बात है, प्राइम मिनिस्टर उस वक्त थे या नहीं थे? उस वक्त थे, थे। अब ये दोबारा आए हैं। अरे भाई, तो अभी गए कब है? तो वो तो पुरानी बात है ना। हाँ हाँ, पुरानी बात। तो यानी 97 की बात कर रही हूँ, 96 की बात कर रही हूँ, पांच साल नहीं हुए? हाँ हाँ, बस ऐसे ही है। तो कितने साल हुए? हिसाब किताब नहीं सही? नहीं 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 नहीं, ये अभी की बात थी भाई। मैं कंफ्यूज हो गई, आपको देख के कंफ्यूज हो गई हूँ। अभी की बात है? क्या गुस्से में? अभी की बात है जी। हाँ, अभी की बात। उन्होंने नंबर देने के लिए क्या बोला आपको? वो लफ्ज मुझे सुनने, मैं सुनना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर कैसे देता होगा लाइन? उन्होंने कहा क्या करती हूँ? ओके, उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा चले ठीक है, आप वहाँ जा रही है, इस्लामाबाद जा रही है। मैंने कहा जी मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा सही। उन्होंने कहा कि मेरा भी घर वहीं पर है। मैंने कहा जी हमारा भी घर वहीं पर है। इसी तरह से बातों बातों में उन्होंने कहा कि रात को आप शाम में क्या कर रही हैं? शाम में? मैंने कहा देखिए क्या होता है। उस पर उन्होंने कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो खाना हमारी तरफ है। चल झूठी 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 झूठी। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने कहा शाम को क्या कर रही हैं आप? दिखा सकते हैं, उनके साथ बैठी हैं तो पिक्चर ले ली। इसमें ये कैसे प्रूव होगा खाने पे बुलाया? अरे इतना जवाब दें, इतना सस्पेंस भाई, आगे बात करो। गई खाने पे या नहीं गई? अरे नहीं गई। नहीं तो ये, अच्छा ये एक और भी नाम लिखा हुआ है आपने, परवेज मुशर्रफ। उन्होंने भी लाइन मारी है? ये मेरे शो में सब क्यों? लेकिन उनके लाइन मारने का अंदाज बहुत अच्छा था। मुशर्रफ साहब ने कैसे लाइन मारी आप पे? हाँ, उनका स्टाइल बहुत अच्छा था, सिंपल। मैं बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे देखा, और उसके बाद उन्होंने मुस्कुराया। उनकी तो पर्सनैलिटी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, उनके बाल बाल स्टाइल, यू नो, ब्लैक कलर का उन्होंने कोट पहना था, टाई लगी हुई थी बिजनेस क्लास में। उन्होंने देखा, देख के मैंने भी मुस्कुरा के देखा उनको, उन्होंने भी देखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या करती हैं आप? मैंने कहा कुछ खास नहीं, आप बताएं आप क्या करते हैं। मैंने कहा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनको मैंने बोला, मैंने कहा मुझे बहुत। आपने यानी उन पे लाइन मारी? हाँ, ना वो देख, तो ये बात चेंज कर लेना, फॉर्म पे आपने लिखा है नवाज शरीफ साहब और मुशर्रफ साहब, तो ने लाइन मारी। पूछा उन्होंने मुस्कुरा के, पूछा आप क्या करती हैं? मैंने तो नहीं पूछा था आप क्या करते हैं, क्योंकि मैं तो उनको जानती थी। अच्छा ये मुझे बताएं कि दोनों की लाइन मारने में से किसकी लाइन क्यों अच्छी लगी आपको? परवेज मुशर्रफ की अच्छी लगी थी। क्यों? क्योंकि वो रोमांटिक से लग रहे थे।
और नवाज शरीफ साहब रोमांटिक बहुत कॉन्फिडेंस वाले लगते हैं। नवाज शरीफ नहीं, आप समझा दें उनको, थोड़ी टिप्स दे दीजिए आइंदा अगर आपकी तरह की आइंदा कभी आपने लाइन मारनी हो तो सिंपल से थोड़ा सा एटीट्यूड होना चाहिए कि ओके आप देख रहे हैं, जैसे आप पूछे क्या कर रही हो, शाम में कहाँ जा रही हो, कोई प्लान है आपका, फ्री है आप, थोड़ा सा ऐसे करके आप बात करें ना। आप डायरेक्टर, आप हिम्मत वाला काम कुछ कर सकती हैं? आपके सामने बैठी इससे हिम्मत वाला काम और क्या है? अरे स्टार प्लस, स्टार प्लस। अगर एकता कपूर अभी देख रही हैं तो पाकिस्तान से प्लीज इनको ले जाएं। क्या हो गया आपको? मैं आपके सामने बैठी इससे ज्यादा हिम्मत वाला काम और क्या है बताइए। हॉबीज क्या हैं आपकी, कुछ करती हैं जिंदगी में? योगा करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ। पुशअप्स करती हैं? पुशअप्स भी करती। कितने? ये इतना सस्पेंस क्यों है आपके पूरे जिस्म में? आपको ही फील हो रहा है? क्या एंटरटेनिंग काम कर सकती हैं? सब कुछ। क्या कुछ? जो आप बोले। क्या? डेढ़ आपने देना? मैंने नहीं। कितने पुशअप्स लगाएंगी? 20। कर लेंगी आराम से? जबरदस्त, 40 करेंगी। आ जाए। 2, 3 करो दोबारा। नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ। ये होते हैं पुशअप। अब आ गायब हो गई, ये कौन से पुशअप हैं? देखिए आपने मुझे पुशअप्स बोले, आपने मुझे ये नहीं कहा कि लो पुशअप्स, मैंने हाई पुशअप्स किए हैं। ये कौन से पुशअप होते हैं? आप जुनेट से पूछ लें। जुनेट? हाँ। क्या है चीज है ये? ये हमारी कोच है, ये हमें बताती हैं ये पुशअप्स कौन से होते हैं, ये हाई पुशअप्स मैंने लगाए हैं। ये मेरी गलती हो गई, मैंने बोला। आपने मुझे नहीं कहा कि लो पुशअप्स? गलती मान ली, गलती मान ली। बस 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 और नहीं बोलना। चले ठीक है, हो गया आपका ऑडिशन, आ जाए। थैंक यू सो मच। ऐसे उठा ले तो वो नहीं देना मुझे। आ जाए, आ जाए, यहाँ आ जाए, जल्दी आ जाए। और डॉक्टर वजाहत और माजिद को मेरे पास फौरन भेजें, उनसे मुझे अलग काम है, आपका काम नहीं है। ओके। जाएं, खुदा हाफिज। हो गया, जाएं। ओके, थैंक यू सो मच। वैसे अरे जाएं। पागले, पागले, पागले। अरे जाएं भाई, जाएं, इलाज कराएं अपना, जाएं भाई। एक मिनट। जब चला जाता है यहां से तो फिर वापस। क्या? जी 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 बोले। एक बात करना। जी। क्या? अरे भाई क्या मुसीबत गले, क्या बोलो। अरे पहले आप चिल्ला ले फिर बोल दूंगी। अरे कौन सी एक्ट्रेस हमारे जिम्मे आ गई है? नहीं, एक्ट्रेस तो नहीं। जी बोले, जी जी बोले। एक्चुअली मैं आपकी। जी क्या हुआ? घबराहट हो रही है से। जी कह रही, घबराहट हो रही है आपको देखकर। आराम से खड़ी हो, एक मिनट खड़ी हो, कोई मसला नहीं है। वैसे ही कैमरे में घबराहट हो रही है मुझे फिर से। क्या हो रहा है? कह रही कैमरे में भी घबराहट हो रही है मुझे। कैसे हैं? जब भी आप ठीक हो जाएं, मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी अब ठीक हूँ। क्या मसला, क्या हो रहा है? गर्मी लगी है बहुत। नहीं नहीं नहीं, आपके शो में आई हूँ और घबराहट होना शुरू हो गया। क्या मतलब? बहुत बड़ी फैन हूँ। आराम से बैठे मिले जी। अब बताएं क्या बताऊंगी, क्या परेशानी हो रही है? परेशान रहोगी तो ऑडिशन कैसे दोगी? जिंदगी में आप जितने भी टैलेंटेड हो, जब आपका इम्तिहान होता है, अगर आप उस वक्त सही परफॉर्म नहीं करते तो सारी जिंदगी फिर मसला रहेगा। किससे टेंशन हो रही है? मुझसे हो रही है, कैमरे से हो रही है, इसी पे तो काबू पाना है। मुझसे हो रही है क्या? डरावना हो बहुत। नहीं नहीं, फिर मतलब कुछ नहीं। ओके चलो। नहीं बताओ, मैं जानना चाहता हूँ मुझसे लोग क्यों डरते हैं। नहीं डरते नहीं है, मतलब तुम्हें सामने देख रही हूँ और अभी तक मुझे पता भी नहीं चल रहा कि हाँ वकार का सामने बैठे हैं। आप फैन हैं, इसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अब आगे बढ़े उससे। शो में आना है? ये सिर्फ सेल्फी के लिए आई हो? नहीं 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 नहीं, आगे आना है। हाँ। शोर
गुड। नाम बताएं अपना। मरियम। पूरा नाम? मरियम मुमताज। ऑनलाइन फॉर्म भरा हुआ है आपने? दुबई से ताल्लुक है आपका? जी। कुछ इंटरेस्टिंग बताओ अपने बारे में, दुबई में रहती थी वो तो यहाँ लिखा हुआ है। इंटरेस्टिंग तो कुछ भी नहीं है। क्या हुआ, बहुत टेंशन हो रही है, लाइट से मसला है? हो रही है। खड़े होकर इंटरव्यू दे सकती हूँ? खड़े हो जाए चले। जी देखो, मैं तुम्हें इतना टाइम इसलिए दे रहा हूँ कि तुम मुझे कंफ्यूज लग रही हो, बहुत लंबी लाइन से यहाँ तक आई हो, ख्वारी काटी है, बहुत देर तक खड़ी रही हो, टेंशन हुई है ना? जी बोले। इंटरेस्टिंग तो कुछ भी नहीं है, बस मैं। ये क्या हुआ है? समझ तो गए होंगे आप। क्या आपको पता है वकार कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है? नहीं, मुझे कैसे पता है कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है? आपको पता होगा कि मेरी उंगली कहाँ गई है। मुझे क्या पता आपकी उंगली कहाँ गई होगी? आप चाहते हैं कि मैं आप सब कुछ टीवी में बताऊं? मतलब जाहिरी बात है आप यही बताएंगे? आप इतना रोबोट, या तो बहुत डरी हुई हो या बहुत नर्वस हुई हुई हो। आराम से चिल हो जाओ, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। जी आपको क्यों लगता है कि मुझे पता होगा कि आपकी उंगली कहां गई है? कहां गई है आपकी उंगली? एक्सीडेंट हुआ है, कट गई है, क्या हुआ है? टीवी में बता दूं? तो और यहां क्या करने आई हैं आप? यहां बताने आई हैं ना मुझे? अच्छा एक मिनट, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आपको ये कैसे लग रहा है कि पहले से मुझे पता चल जाएगा कि आपकी उंगली कहां गई है? आपको नहीं लगता अगर आप ये बात बताएंगी प्रॉब्लम होगी आपको बाद में? जितनी दुनिया है ना, मेरे बाप के कुछ नहीं बोल सकती। क्या करते हैं आपके फादर, क्या नाम है? मैं बता तो नहीं सकती, मगर ये कि अगर वो चाहे तो ये शो भी बंद करवा सकते हैं। He was so drunk, वो यहाँ लेटे हुए जमीन में पड़े हुए, उनको कोई बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला होगा। अभी एक चीज करनी है। क्या? Can I come? आ जाओ।